दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है Vivo का X200 Pro। हालांकि X सीरीज 90, 100, 100S ये सारी चीज लॉन्च होते हुए खत्म हो चुके हैं। यहां पर बता दूं Vivo X200 सीरीज को X200 और 200 Pro जैसे दो मोबाइल फोन लॉन्च होने हैं। हालांकि स्मार्टफोन के आने में कुछ ही महीने बाकी हैं। इसमें पहले प्रो मॉडल की स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन को लेकर सामने है। डिटेल में मैं बता दूं कि इसमें जो आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसे 200 माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर देखे हैं, इसमें 200 प्रो एक्स के तुलना में बड़े अपग्रेड मिल रहे हैं। जो X100 है इसको टेक्निक से जोड़ा जा सकता है और 200 प्रो में की नई टेक्निक वाली कवर्ड स्क्रीन दी जा रही है। 1.5 के रेजोल्यूशन के चारों कॉर्नर पर नैरो बेजल्स मिल सकते हैं। डिस्प्ले साइज को लेकर जानकारी मिली है कि इसमें 6.7 इंच की 6.8 इंच का हो सकता है। और वहीं Vivo अपने इस MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट ले रहा है और ये प्रोसेसर अक्टूबर में लॉन्च हो रहा है जो कि सभी को पता है। और ये आपको बता दूं कि इसका मुकाबला के आने वाले Snapdragon 8 Generation 4 होने की बात है जो कि ज़बरदस्त। 200 Pro में सिंगल पॉइंट अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिवाइस के लिए कई सिलिकॉन और बैटरी टेक्निक है यूज़ किया गया है। फ़ोन के अपडेट ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप और जिसमें बेहतर अनुभव के लिए पेरिस्कोप लेंस लगाया जा रहा है। मोबाइल के बैक पैनल पर आपको 350 मेगापिक्सल के लेंस चिपकाए जा रहे हैं। जहां तक सारे चीज़ें इसकी बात हो रही है, आप अगर नज़र डालेंगे चिपसेट पर पहले X100 Pro में तो वहाँ पे 9300 चिपसेट था, यहाँ पे 9400 चिपसेट है जो कि काफ़ी कुछ अपग्रेडेड है। हालांकि डिस्प्ले के मामले में आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन डिज़ाइन थोड़ी सी आपको मिल सकती है और प्रोसेसर आपको हमेशा से ही बेहतर मिलता ही है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में तक, वीडियो को पसंद आ जाए लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।